थ्री देखते हैं। थ्री नंबर में देखिए यहाँ पर ले लेते हैं लेट ए इक्वल टू, मैंने जो मैट्रिक्स दिया है 1 2 2 -1, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे ए इक्वल टू में आई ए ले लेंगे, LHS में ए का वैल्यू रखते हैं 1 2 2 -1, इधर आइडेंटिटी का 1 0 0 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 0 लाना है, तो एक काम करो यहाँ लिख दो आर टू के प्लेस पर आर टू माइनस का 2R1, इनमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 2 2 -2 × 1, तो ये 0 हो जाएगा। ये 1 पहले से ठीक था तो यहाँ पे हम लोग सीधे आ गए। अच्छा देखो यहाँ पे -1 - 2 × 2, ये -5 हो जाएगा। इधर देखिए आर वन के एलिमेंट वैसे ही 1 0, यहाँ हो जाएगा 0 - 2 × 1, तो यहाँ -2 हो जाएगा, फिर 1 - 1 - 2 × 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ 1 लाना है तो हम लिखते हैं आर टू के प्लेस पर -1/5 R2, चलिए -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 नहीं आ जाएगा। चलिए देखते हैं 1 2, यहाँ 0 और यहाँ 1 हो जाएगा, इधर 1 0, यहाँ माइनस तो प्लस का हो जाएगा ना 2/5 और यहाँ माइनस का 1/5, मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से R2 में, तो यहाँ पे अब 0 लाना है R1 के प्लेस पर R1 - 2 R2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा वहाँ पे। चलिए तो ये तो भैया ठीक हो जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 यानी कि 1 - 2 × 0 तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग देखेंगे कि पहले के भी एलिमेंट गड़बड़ ना हो, ये देखिए 2/5 - 1/5, यहाँ देखिए 1 - 2 × 2/5, यही ना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 5 - 4 यानी 1/5, तो ये 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 0 - 2 × -1/5, सॉरी ये ना हो जाएगा आर टू के प्लस पे है ये प्लस हो जाएगा 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना कि ए का इन्वर्स जो होगा 1/5 2/5 2/5 और यहाँ माइनस का 1/5 हो जाएगा, समझे। तो चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ए का इन्वर्स जो हो जाएगा वह 1/5 और इंटू में यहाँ देखिए 1 2 2 -1, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, समझ गए।